कहता है दशमलव को भिन्न में बदल देना है जब बाल बाल चिन्ह भरा हो। जैसे ये देखो बाल चिन्ह भरा इस प्रकार से है तो आप कैसे चेंज कीजिएगा, तो जरिए देखिए बिल्कुल भी समझिए एकदम कॉन्सेप्ट से। देखिए मैं दोस्तों ये साधारण है, ये क्या है साधारण है, तो इसके पिछले क्लास में हम ये बताए हैं, तो साधारण चाहिए को हटा मतलब ये दशमलव को क्या चाहिए हटा दीजिए, तो दशमलव को हटाएंगे तो क्या देंगे एक, दशमलव को हटा के एक देंगे, कई गो संख्या एक दो, तो दो को जीरो दे देंगे, अब बच गया कितना 25 अब बटा 100 कटेगा तो काट देना है 1/4 आ जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्तों अगर हम 1/1 को 3 से भाग देते हैं, 1 को 3 से भाग देते हैं कितनों भागा लगाते हैं, 1 को 3 से कितनों भागा लगाते हैं तो वो कभी नहीं कटता है, वो कभी नहीं कटता है, इतना जाएगा 0.333333333333 अनंत तक जाता है, तो उसको इस तरह से लिख देता है 0.3/12 या फिर इस तरह से लिख देगा 0.3/बिंदु इस तरह से। तो हम अभी 12 लिखते हैं 3/पावर मतलब 0.3/पावर कितना बार, मतलब इतना नहीं लिख के इतना लिख दिया जाता है, इतना नहीं लिख के इतना लिख दिया जाता है। तब देखिए मेरे दोस्तों आपका कंफ्यूजन कहाँ उत्पन्न होता है, अगर इसको आप लोग बनाते हैं 0.3 बार तो आप लोग बार को नहीं ध्यान देते हैं, इसको लिखते हैं 1 और 0 = 3/10 3/10 लेकिन हमको लाना है कितना 1/3 लाना है, कितना लाना है 1/3, तो इसे 1/3 नहीं आएगा, इससे 1/3 नहीं आएगा, यही तो आप लोगों को समझना है, कंफ्यूजन आपका उत्पन्न दूर करना है। तो ये ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे नहीं बनेगा, तो देखिए कैसे बनेगा 0.3 बार है, तो देखिए जिसमें क्या करेंगे पूरा संख्या लिख देंगे, तो पूरा संख्या कितना है 3 है, 3 लिख दिए हो गया। अब देखिए क्या लिखना है, जितना पर संख्या पर पावर बार है, कई संख्या पर पावर है एक संख्या पर, एक संख्या पर पावर है तो एगो नो लिखेंगे, कई गो एगो नो लिखेंगे। अब देखिए इसको कहते हैं 3 × 3 3 × 9 = 1/3 यही चीज आ गया है, यही चीज आ गया है तो सिद्ध हो गया है, यानी कि कहने का मतलब है जिस संख्या पर बार है जय गो संख्या पर जितना जितना संख्या पर बार है उतना उतना क्या देंगे 9 देंगे नीचे में। अब देखिए आप आगे समझिए आपका क्लियर हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए 0.5 0.59 9 पर बार है या फिर इसको ऐसे लिख सकता है 0.5 और 9/12 इससे फिर इसको बोलते हैं रेकरिंग, क्या बोलते हैं रेकरिंग। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसमें भी क्या करेंगे पूरा संख्या लिख देंगे, तो पूरा संख्या कितना है 59, पूरा संख्या 59 है, कितना 59। अब इसको नीचे में क्या लिखेंगे, ये दशम एक संख्या पर बार है, कई संख्या पर एक संख्या पर बार है तो एगो 9, कै गो एगो 9, और दशमलव के बाद हमको ध्यान देना है पहले नहीं, दशमलव के बाद कई संख्या है 2 संख्या है, एक संख्या का लिखा गया और जिस पर बार नहीं है दशमलव के बाद जिस पर बार नहीं है उसका क्या देंगे 0 देंगे, उसका 0 देंगे, कटेगा तो काट देना है नहीं कटेगा तो नहीं काटना है, आपका इतना ही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, अगर देखिए आप लोगों का और क्लियर हो जाएगा। देखिए मेरे दोस्तों ये जो दिया हुआ है 2.136 ये 36 पर बार है, कहीं पर 36 पर बार है, कहीं पर 36 पर, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, एक मिनट आओ यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यानी कि पूरा संख्या की क्या कर देंगे लिख देंगे, पूरा संख्या को लिख देंगे जिस पर बार है, जिस पर बार है उसके मतलब 9, जिस पर बार नहीं है उसके मतलब 0 हो गया। अब दशमलव के बाद ध्यान देना है, दशमलव के बाद जिस पर बार नहीं है उसको घटा देना है, उसको घटा देना है, उसको घटा देंगे, तो घटा देंगे तो आपका हो जाएगा आंसर 5/4/90 5/4/90 कटेगा तो काट देना है, थोड़ा मिस्टेक हो गया हमी से लेकिन होता है इंसान से ही होता है। अगला देखिए इसको कैसे करेंगे जी, इसमें भी क्या करेंगे सभी संख्याओं को लिख देंगे, सभी संख्या को लिख देंगे। अब देखिए किस पर बार नहीं है,
इतना प्रभाव नहीं है, 2.1 यानी कि इसको घटा देंगे, 21 घटाएंगे, कितना 21 घटा देंगे। जिस पर वार नहीं है वो पहले क्या करेंगे, पूरा संख्या लिख देंगे, पूरा संख्या पहले लिख देंगे, जिस पर वार नहीं है 21 पर वार नहीं है उसको घटा देंगे। अब देखिए नीचे में कैसे लिखेंगे जी, नीचे में कैसे लिखेंगे, दशमलव के बाद ध्यान देना है, दशमलव के बाद, तो दशमलव के बाद कई गो रेकनिंग है, पीछे से चलना है, दो संख्या पर बार है तो दो गो नौ, और दशमलव के बाद एक संख्या पर नहीं है तो जिस पर नहीं उसका मतलब जीरो, उसका मतलब जीरो, बस हो गया खत्म। अब इसको हल कर लीजिए, ये घटेगा तो 5 हो जाएगा, ये घटेगा तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 बटे कितना 290, कटेगा तो काट देना है, बस आपका ये आंसर हो गया। अगला देखिए इसमें 3.87 है, 3.87 है तो इसको क्या करेंगे, पूरी संख्या लिख देंगे। अब देखिए किस पर बार नहीं है, 3 पर बार नहीं है तो 3 क्या करेंगे, घटा देंगे, 3 पर बार नहीं है 3 घटा देंगे। अब नीचे हम क्या लिखेंगे, दशमलव के बाद ध्यान देना है, दोनों संख्या पर है तो 2 गो 9, दोनों संख्या पर 2 गो 9, अब इसको हर कर देंगे 384 99 कटेगा काट देना है, नहीं कटेगा इसलिए देना है। अब देखिए इसको, अब आपका जो है कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, इसमें भी क्या करेंगे पूरी संख्या लिख देंगे तो पूरी संख्या कितना है, पूरी संख्या नहीं समझ में आता तो पूरी संख्या लिख दे 008 08, इस तरह से पूरी संख्या लिख दिए अगर नहीं समझ में आता है तो। अब देखिए किस पर बार नहीं है, इस पर बार नहीं है 08 यानी कि 08 घटा देंगे, 08 क्या कर देंगे घटा देंगे। और नीचे में क्या लिखना है, दशमलव के बाद ध्यान देना है, कई संख्या पर लिख देंगे, दो संख्या पर तो 2 गो 9 2 गो 9, और किस पर नहीं है 0 और 8 यानी कि 2 संख्या पर नहीं है तो 2 गो 0 लिखना है, 2 गो 0, बस इसको हल कर देना है। इसको हल करिएगा तो आ जाएगा 800, कितना हो जाएगा 800 बटे 9900, कटेगा तो काट देना, यानी कि 8 बटे कितना गया 99, 8 बटे 99। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसको एक मतलब फिर से रिकॉर्ड कर दीजिए, देखिए मेरे बात को गौर से समझिए। अगर बार दिया हुआ है दशमलव के बाद देखेंगे बार, दशमलव के बाद देखेंगे बार, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि पूरी संख्या को लिख देंगे, दशमलव पर जितना संख्या पर बार है और जितना पर नहीं है, जितना पर बार है और जितना पर नहीं है, तो जितना पर बार नहीं है दशमलव के बाद पूरी संख्या में से घटा देंगे, पूरी संख्या में से घटा देंगे। अब नीचे में क्या लिखना है, जितना पर बार है उतना 9, दशमलव के बाद ही ध्यान देना है, जिस पर नहीं है उस पर 0, बस ये तो फंडा है। आई होप आप लोगों को अगर समझ में आ गया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।